और धूमधाम से मनाया गया आध्यात्मिक गुरु भोले जी महाराज का जन्मदिन। मुख्यमंत्री हरीश रावत, भगत सिंह कोश्यारी समेत तमाम नेताओं ने दी बधाई। आध्यात्मिक गुरु भोले जी महाराज का जन्मदिन उनके अनुयायियों और चाहने वालों ने पूरे उत्साह के साथ मनाया। मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कई गणमान्य अतिथि भोले जी को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। देश और दुनिया में आध्यात्म की अलख जगाने वाले आध्यात्मिक गुरु भोले जी महाराज का जन्मदिन इस बार देहरादून में मनाया गया। दून के जोगीवाला में आयोजित कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु को बधाई देने के लिए हजारों लोग पहुंचे। पहाड़ के दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में शानदार कार्य कर रही माता मंगला की हंस फाउंडेशन को भला कौन नहीं जानता। आपदा के बाद इस संस्था ने कई गांवों को गोद लिया और आज वहां का जीवन कई मायनों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर बन चुका है। इसी क्रम में माता मंगला और भोले जी महाराज ने जनपद रुद्रप्रयाग के स्कूली बच्चों के लिए अपने जन्मदिन के मौके पर एक बस भेंट की। हम चाहते हैं कि सब एकता हो, भाईचारा हो और सब मिलजुल के रहें ताकि हमारा जो उत्तराखंड है ये आगे पूरे भारत प्रगति की ओर बढ़े और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हर वर्ष तो दिल्ली में मनाते हैं एक सत्संग के रूप में और वहाँ पे हमारा बहुत चैरिटी का चलता है और हंस फाउंडेशन जैसे कि आज पूरे भारतवर्ष में और विशेषकर 28 राज्यों में और उससे भी ज़्यादा हम लोग सेवा कर रहे हैं उत्तराखंड में। तो मेरी आज उनके जन्मदिन में यही कामना है कि जिस तरह हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं सेवा का और दया का, ये आगे बढ़ता रहे और उनके आशीर्वाद से हम सभी एकजुट होकर के आज हमारे राज्य को आवश्यकता है ऐसे कार्यों की। और मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम कहीं से प्रेरणा लेके हम इस मार्ग की ओर बढ़ें और अपने समाज में एक ऐसा नाम हम करें जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी याद करे कि दया और समाज में अगर हमें उन्नति चाहिए तो हमें एक होकर के चलना चाहिए। भोले जी महाराज को जन्मदिन पर बधाई देने वालों में मुख्यमंत्री हरीश रावत, सांसद भगत सिंह कोश्यारी, माला राज्य लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, दिनेश धने, भाजपा नेता गणेश जोशी, माउंटेनियर्स ट्विंस बहने ताशी और नुंगशी के साथ ही हजारों लोग शामिल थे। मैं भोले जी महाराज को, माता मंगला जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज के दिन और मैं राज्य की जनता की तरफ से शुभकामना देने के लिए आया हूँ और भगवान उनकी भावनाओं में ऐसी बरकत बनाए रखे जो है और जिस तरीके से वो गरीबों की सबकी मदद कर रहे हैं, राज्य की भी मदद कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देने भी आया। सर, मैं महाराज जी का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि मेरा जो ये नरसिंह जागर जो प्रोजेक्ट निकला वो उनके आशीर्वाद से मुझे मैं इस काम को करने में सफल हुई क्योंकि मेरे को हेल्प जो करी है उन्होंने करी क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए सक्षम नहीं थी हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने ही मुझे इस चीज़ के लिए फंडिंग करी और उनके आशीर्वाद से ही मैं इसको कर पाई। और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ क्योंकि ज़रूरतमंद की वो जितनी मदद कर रहे वो शब्द नहीं मेरे पास कि मैं किस तरह से उनके उस चीज़ को धन्यवाद अदा रूप से, चाहे वो गरीब हो, विकलांग हो, चाहे वो वृद्धा हो, चाहे छोटे बच्चों की पढ़ाई का सवाल हो, इन सब क्षेत्रों में सरकार उनको सरकार को मदद कर रहे हैं उसको हम लोग इस रूप में देखते हैं कि हम राज्य सरकार की ओर से पूरे उत्तराखंड की ओर से हम लोग चाहते हैं कि वो कम से कम 150-200 साल जिए ताकि वो उत्तराखंड में इस तरह के विकास कार्य करते रहें। अब इन्होंने 5 बड़ी योजनाओं को, राज्य सरकार की योजनाओं को अपना बहुत बड़ा 500 करोड़ का योगदान दिया है। आध्यात्मिक गुरु भोले जी महाराज के जन्मदिन पर जिस तरह उनके चाहने वालों की भीड़ जुटी उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने वालों के चाहने वाले भी कम नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।